अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम जनाब हम ठहरे थे वन यूनिट चौक पे और मैं जा रही थी टेलर के पास, तो अचानक ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और ये 5 डेट को हुई थी बारिश। तो कल मैंने ये वीडियो नहीं डाली, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। और कल क्योंकि फ्राइडे था तो मौसम भी बहुत अच्छा था और उसके साथ बारिश दिन में भी थी, तो सालन बनाने के बाद मैं बना रही थी पकोड़े। तो पकोड़ों की रेसिपी मैंने सोचा आप लोगों को दे दी जाए क्योंकि बहुत मज़े के बने थे पकोड़े और आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए मैंने 2 से 3 लिए हैं प्याज, इसमें प्याज ज़रा ज़्यादा जाते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 हरी मिर्चें ली थी और 2 आलू लिए थे। आलू हमने ऐसे काटने हैं जिस तरह से हम फ्राई आलू बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं उस तरह के, क्योंकि जब आलू अगर ज़्यादा पतले होंगे तो फिर पकोड़े जुड़ जाते हैं, अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर गलने में टाइम लगता है। और उसके बाद मैंने लिया ढेर सारी पालक, क्योंकि असल टेस्ट तो पालक का ही आता है पकौड़ों में। और ये सारी चीज़ें लेके और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। और आलू भी धोए हुए थे, प्याज भी धोए हुए थे और पालक भी धोई हुई थी, तो इस बात का ख्याल रखना है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है पकौड़ों का वो है साबित धनिया और काली मिर्चें साबित, इन दोनों को मोटा मोटा कूटना है, पीसना नहीं है, कूटना है, और वो 2 टेबलस्पून वो डालना है। उसके बाद थोड़ा सा लिया बेसन और मैंने वेजिटेबल्स में बेसन ऐड किया और उसको मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। मैं इस तरह से, वैसे ये होता है कि आप सारी चीज़ें काट के बेसन में डालते जाते हैं और उसके बाद उसको मिक्स करके पानी में घोल के तो फिर आप पकौड़े बना लेते हैं, तो इस तरह से ये है कि मैं जैसे कर रही हूँ कि आप वेजिटेबल्स में ड्राई बेसन ही डालते जाएं और फिर उसको हल्के हाथों से मिक्स करके तमाम स्पाइसेस ऐड करके और फिर इसमें पानी डालें। तो ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है वेजिटेबल्स जब हम ऐड कर लेते हैं और उसके बाद बेसन घोल लेते हैं तो फिर ये पानी छोड़ता है, तो फिर या तो ये होता है कि एंड में नमक तेज़ हो जाता है या फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और लाल मिर्चें डाली हैं कुटी हुई, तो कसूरी मेथी के बगैर तो पकौड़े इतने मज़े के नहीं बनते। और इसके बाद नमक डाल रही हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा बेसन डालूंगी और डाल के फिर इसको मैं हल्के हाथों से मिक्स करूंगी और इसको 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, मैंने इसे छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, इतनी देर में मैंने रोटियां बना ली थी और हमने डिनर कर लिया था, क्योंकि ये पकौड़ों की फरमाइश आई थी मेरे भाई की, उन्होंने कहा था कि पकौड़े बना के भेजें और ढेर सारा बेसन भी भेजा था उन्होंने, हालांकि वो इस तरह के बंदे हैं नहीं कि किसी चीज़ की फरमाइश करें। लास्ट टाइम उन्होंने यखनी पुलाव की फरमाइश की और अब उन्होंने पकोड़ों की फरमाइश की, तो जनाब मैं फिर आज बना रही हूँ और उनके पास भेजूँगी। तो हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और फिर इसको छोड़ देना है ताकि, क्योंकि पालक धोई हुई थी, आलू भी धोए हुए थे, प्याज भी, तो ये जितना पानी इन्होंने रिलीज़ करना होगा तो ये रिलीज़ कर लेंगे और फिर मैं इसको इसके हिसाब से इसमें मज़ीद बेसन ऐड करके थोड़ा सा पतला कर लूँगी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा थिक हो गया तो फिर पकौड़े ज़रा सख्त से बनते हैं। और बेकिंग सोडा या बेकिंग मीठा सोडा ये भी होता है कुछ लोग डालते हैं, तो वो ब्रेड की तरह बनते हैं पकोड़े, मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगते। और मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट के बाद, बल्कि 15 मिनट के बाद इसने कितना पानी छोड़ा, तो बेसन में इतना सारा पानी आ गया है और इसमें मैं मज़ीद बेसन ऐड करके थोड़ा सा इसे मैं पतला करूँगी, क्योंकि मुझे बैटर ज़रा ड्राई सा लग रहा है। तो वैसे मेरे हस्बैंड बनाते हैं पकोड़े, बहुत मज़े के बनाते हैं और वो हाथ से ही डालते हैं सारा पकोड़ों का मटेरियल जब पकोड़े फ्राई करें, मगर मैं चम्मच से कर लेती हूँ क्योंकि एक चम्मच लिया और फिर कढ़ाई में डाला तो इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं और एक ही साइज़ के बनते हैं, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ। और अब मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, आंच का हमेशा ख्याल रखें, मीडियम फ्लेम हो, क्योंकि फिर इस तरह से ये होता है कि अगर हाई फ्लेम हो जाए
तो या तो पकोड़े ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, और अगर फ्लेम लो हो जाए तो फिर पकोड़े ड्राई हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना होता है, भी राव के पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्लेम हमेशा मीडियम हो, और इसके बाद जैसे ही गोल्डन हो गए इनको मैं निकाल लूँगी। साथ मैंने बनाई थी ग्रीन चटनी और धनिया और ब्लैक पेपर हरी मिर्च, ये दो चटनी बनाई थी, एक दही वाली और एक ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी हमेशा मैं मोटी मोटी बनाती हूँ, बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बनाती। तो दो टमाटर लिए थे, लीमू लिया था और चार हरी मिर्च ली थी, धनिया लिया था, एक जवा लहसुन का लिया था। इसको मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड किया था, चॉपर में ही चॉप किया था, और जनाब हरी चटनी बहुत मज़े की बन गई थी। तो सारा कुछ मैंने पैक करके भाई के पास भेज दिया। तो आजकल क्योंकि वैसे ही बारिशें चल रही हैं, तो आप लोग ये इस तरह से पकोड़े बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आई होप आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी, बिल्कुल सिंपल सी और बहुत इजी क्विक। तो ये थोड़ा सा ट्रिक भी होता है, जब शुरू में मैं पकोड़े बनाती थी तो मुझसे अच्छे नहीं बनते थे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पकोड़े बनाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आ गया बनाना। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। वैसे तो माशाल्लाह से सब लोग ही बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छा पकाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी मेरे हिसाब से ज़रा सिंपल होती हैं और ईजी होती हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।